जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए नए ब्रांच बनाने की अपनी अप्रूवल दे दी है और इस न्यू ब्रांच का नाम होगा वेपन सिस्टम ब्रांच। WSB की वर्किंग स्ट्रक्चर क्या रहेगी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी और इस आपके ब्रांच में आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट कैसे शामिल हो पाएंगे, तो इस बारे में आज की इस क्लास में हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि वीडियोस होते क्या हैं जिसको हम वेपन सिस्टम ब्रांच में आपका इंडक्ट करेंगे। तो देखिए, वीडियोस आपके एक स्पेशलाइज्ड वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स होते हैं जो कि किसी भी आपके फाइटर एयरक्राफ्ट में रियर कॉकपिट पर बैठकर उसके पूरे वेपन्स को हैंडल किया करते हैं। इनको हम वीडियोस कहते हैं। इनसे रिलेटेड मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई भी हुई है, तो आप देख सकते हो। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि भारत सरकार ने 8 अक्टूबर यानी कि इंडियन एयरफोर्स के 90th एनिवर्सरी पर ये अपनी अप्रूवल दी है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स की अब नई ब्रांच बनेगी और ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए 4th न्यू ब्रांच रहेगी जिसका नाम वेपन सिस्टम ब्रांच रहेगा और इसको WSB के नाम से जाना जाएगा। इस ब्रांच को बनाने का मकसद यूनिफिकेशन लाना है जिससे कि हमारे इंडियन एयरफोर्स में जितने भी WSO हैं यानी कि जिसको हम वीजोस कहते हैं वो एक साथ ज्वाइंटली वर्क कर सकें और काफी बेहतरीन तरीके से अपने सर्विस को पूरा कंडक्ट कर पाए। द ब्रांच वुड इनकंपासेस ऑपरेशन इन 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स। और ये चारों स्ट्रीम कौन कौन सी हैं, तो देखिए, सबसे पहली आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सेकंड सरफेस टू एयर मिसाइल, थर्ड रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट यानी कि ड्रोन्स के लिए, और चौथी आपकी वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स है यानी कि आपकी WSO के लिए। और जितने हमारे वीजोस होते हैं वो सभी फाइटर एयरक्राफ्ट पर रियर कॉकपिट पर बैठकर हमारे जो फ्रंट आपका पायलट होता है उसको मदद पहुंचाते हैं जिससे कि हम किसी भी एरियल वॉरफेयर की सिचुएशन में बेहतरीन तरीके से ज्वाइंट वर्क करके अपने ऑपरेशन को अंजाम पहुंचा सके। और इसका मकसद ये है कि हम वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी को और भी बूस्टअप कर पाए जिससे कि हमारी इंडियन एयरफोर्स जो कि विश्व की 30वीं सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर एयरफोर्स है उसकी रैंकिंग और भी इम्प्रूव की जा सके। अगर हम इसकी WSB की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो देखिए, जो हमारे वेपन सिस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो आपके एयर फ्लाइट ऑफिसर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी आपके एरियल ऑपरेशन में। मान लीजिए हमें बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक फिर से एक बार करना है तो पायलट और को पायलट यानी कि WSO भी उसमें शामिल होगा और वो हमारे मेन पायलट को हर तरीके से वेपन्स को रिलीज करने में मदद करता है जिससे कि हम एक आपका ग्रुप बन के आसानी से इफिशेंसी के द्वारा अपने किसी भी ऑपरेशन को किसी भी सिचुएशन में अंजाम दे पाए। WSO का मेन रोल मैनिपुलेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंसर्स कम्युनिकेशन इक्विपमेंट का जिससे कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को प्राप्त भी कर सकें, साथ ही साथ हम अपने एयर कमांड तक उसको पहुंचा सकें कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वेपन सिस्टम ब्रांच विल इंडक्ट स्पेशलाइज्ड कैडर ऑफिसर्स फॉर हैंडलिंग द लेटेस्ट वेपन सिस्टम और इसके जरिए वैकेंसी भी आपकी बढ़ने वाली है, तो आप सभी तैयार रहिए इंडियन एयरफोर्स में WSO बनने के लिए यानी कि वेपन सिस्टम ऑपरेटर बनने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऑफिसर्स के लिए ही है। साथ ही साथ इस आपकी स्ट्रीम से अगर हम फ्लाइंग स्ट्रीम में देखें तो वेपन सिस्टम ऑपरेटर जो है हमारे ट्विन सीट या फिर मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट में आपके शामिल होंगे और हमारे भारतीय वायुसेना को और भी एज प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम सभी जान रहे हैं कि 21st सेंचुरी में सिर्फ हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर प्लेन्स नहीं बल्कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और ड्रोन भी शामिल हो रहे हैं, तो इन सभी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए WSO की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहेगी और इनकी नोटिफिकेशन भी आपकी जल्दी जारी की जाएगी। अगर हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो WSO हमारे इमेज इंटेलिजेंस एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्पेशलिस्ट, ऑब्जर्वर एंड सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स फॉर रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, इन सभी आपके सिस्टम पर कार्य करेंगे जिससे कि मल्टी डायमेंशनल वर्क पर ये एक साथ आपका कार्य कर सके। इसके अलावा वेपन सिस्टम ब्रांच मिशन कमांडर्स एंड ऑपरेटर्स फॉर सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल एंड क्लोज इन वेपन सिस्टम पर एक साथ कार्य कर सके, क्योंकि हमें सिर्फ
आपका फाइटर पायलट पे नहीं देखना है, बल्कि हमें ग्राउंड भी देखना है, जिससे कि अगर कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट भारतीय वायु सीमा में दाखिल होता है तो उसको हम अपने सरफेस टू एयर या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल के द्वारा ध्वस्त कर सके। और 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना अपनी 90th एनिवर्सरी मना रही है, और इसी उपलक्ष्य पर विवेक राम चौधरी, जो कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स इन द इंडियन एयरफोर्स। और ये पहली बार है जबकि स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद इंडियन एयरफोर्स में किसी नए ब्रांच का गठन हो रहा है। अभी तक हमारे इंडियन एयरफोर्स में टोटल 3 ब्रांच थी, जिसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज आपकी जारी की जाती थी, लेकिन अब आपकी चौथी ब्रांच आ गई है। 3 ब्रांच कौन कौन सी थी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, और अब आपकी वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स की है। तो ये आपकी टोटल 4 हमारी ब्रांच हो चुकी हैं, जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स को हर टेरेन, हर वेदर कंडीशन में बेहतर तरीके से एडवांटेज पहुंचाएंगी। और सिर्फ एडवांटेज नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि हमारे जो आपके डेफिसिट होते हैं उनको भी बचाएंगी। और टोटल 34 करोड़ रुपीज का जो आपका रिडक्शन इस आपके फोर्थ ब्रांच के जरिए हो पाएगा। इस प्रकार से हम ये जो पैसा हमारा अतिरिक्त खर्च होता था उसको हम अपने नए वेपन्स, नए सिस्टम को इंडक्ट करने में करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला वेपन सिस्टम ऑपरेटर यानी कि वीजो फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजस्वी राव हैं, और ये भारत की पहली आपकी महिला वेपन बन गई हैं, जो कि हमारी ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ आपकी तैनात हैं, और ये भारत के सुखोई 30 MKI में आपकी कार्यरत हैं, जिससे कि हम अपने दुश्मन की तरफ यानी कि मेनली आपके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ अपने दुश्मन के एक्टिविटी पर निगाह बना सकें और किसी भी आपकी विपरीत स्थिति में उनके दांत खट्टे कर सकें। बात कर लेते हैं ऐसे कौन से आपके 4 वेज हैं जिससे कि आप इंडियन एयरफोर्स में वर्ष 2023 में शामिल हो सकते हो। तो ये है आपकी एफकैट एंट्री यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, द सेकंड वन इज द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, थर्ड नेशनल डिफेंस एकेडमी, और चौथी आपकी NCC स्पेशल एंट्री है। और अब 2023 में आपकी न्यू वेपन सिस्टम ब्रांच की एंट्री भी आपकी ओपन कर दी जाएगी, जिसके तहत आप सभी की रिक्रूटमेंट करवाई जाएगी। और अभी तक हमारी इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी में, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच में, मेट्रोलॉजी एंट्री में सभी कैडेट्स को रिक्रूट करती थी, लेकिन अब नई एंट्री आने के बाद आप सभी इंडियन एयरफोर्स में वीजो बन पाओगे। तो ये आपके लिए और हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए दोनों के लिए खुशी का वक्त है। अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन और अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आप सभी SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, जहां पर आपको सभी कोर्सेज के फुल फ्लेज बंडल्स और उनकी टेस्ट सीरीज मिलती है। कोर्सेज में इनरोल होने से पहले आप सभी कैंडिडेट्स इस वॉरी 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज में मिलता जाएगा। जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।